अभी यहाँ दाऊजी मंदिर पर हमें कुछ किसान यूनियन के सदस्य हमें मिले हैं, आइए जानते हैं उनसे कुछ। सर आप यहाँ दाऊजी में कैसे हो जी? सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद और आपके चैनल को धन्यवाद देंगे जो किसानों के बीच में आकर के किसानों की बातों को पूरी जनता तक पहुंचा रहे हो। और फिर रही बात दाऊजी महाराज के मंदिर में आने के लिए, तो हम यहाँ आकर के सबसे पहले प्रार्थना भगवान से यही करेंगे कि वर्तमान में जो प्रदेश और केंद्र की सरकार है उसको सद्बुद्धि दे, जिससे कि वो किसानों के साथ इतना अनदेखा जो कर रही है ऐसा ना करे। सर अपना आप जो है शुभ नाम और बता दीजिए। जी ललित शर्मा, मैं प्रवक्ता हूँ आगरा मंडल भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुरु जी। अब फिलहाल में ऐसा क्या घटित हुआ है आपके साथ? जैसा कि कल हमारे संयुक्त किसान मोर्चा का मंच बना हुआ है गाजीपुर बॉर्डर पर, तो तथा कथित किसानों के बीच में तथा कथित जो बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता हैं, जिसको असामाजिक कहेंगे, वो मंच पर आकर के अपना स्वागत कर रहे हैं और हमारे किसानों को गाली गलौज और अभद्रता और उनके साथ मारपीट की। तो आपने क्या कदम उठाए उनके लिए? इसमें किसान तो देखो शांति चाहता है, कभी भी ऐसा कोई उपद्रव वाला काम नहीं किया कि जो किसान को ये कहा जाए कि यहाँ ये उपद्रवी है। आगे का हमारा रणनीति सिर्फ ये रहेगी कि अगर बीजेपी कार्यकर्ताओं की थानों में FIR नोट होती है तो किसानों की भी नोट हो। भाई उत्पीड़न तो किसान का है, बीजेपी सरकार का या बीजेपी के कार्यकर्ता का कहीं उत्पीड़न नहीं है। अभी जो चुनाव चल रहे हैं उनमें भी जो चुनाव लड़ने के लिए जा रहा है उस प्रत्याशी को रोका जा रहा है। तो इतनी तानाशाह सरकार के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी तानाशाह सरकार तो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमने ही इसको बनाया। आज भारत की सरकार है और भारत के हर नागरिक को कहीं ना कहीं उसने उत्पीड़न कर रखा है। तो आप बताना चाहेंगे किस प्रकार से उत्पीड़न कर रखा है? उत्पीड़न है, देश की 70% अर्थव्यवस्था को चलाने वाला किसान है। आज 3 किसान विरोधी कानूनों को लेकर के किसान ही को बिल्कुल दिहाड़ी मजदूर यानी किसान को ख़त्म करने जा रही है सरकार। तो ये उत्पीड़न नहीं कहेंगे तो क्या इसको आबादी कहेंगे? ये उत्पीड़न है। तो आपके हिसाब से क्या क्या नियम बनने चाहिए किसान के लिए? किसान के लिए हमारी सबसे प्रमुख मांग है MSP होना चाहिए जी। एक माचिस की डिब्बी भी खरीदने अगर जाएं तो उस पर रेट लिखा होगा, उससे कम रेट पर कोई भी दुकानदार उसे नहीं देता। फिर ऐसा क्या कारण है कि किसान अपने ही अनाज का मूल्य नहीं ले पा रहा? हम तो सरकार से ये मांग करते हैं कि आप कानून बनाइए, हम स्वागत करते हैं आपके कानून का। तो कानून MSP बनाइए, जिससे किसान जो आत्महत्या कर रहा है, अगर किसान आत्महत्या कर रहा है सोचिए कितनी दुर्दशा इस देश की होगी, जहां देश को चलाने वाला आत्महत्या कर रहा है, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक आत्महत्या कर रहा है, अन्नदाता का इतना दुर्भाग्य दुर्दशा, ये कहीं ना कहीं कष्टप्रद और दयनीय है। लेकिन वर्तमान सरकार एक तरफ तो किसान हितैषी होने का वादा करती है और दूसरी तरफ उसी किसान को जो पेट भरता है, खुद भूखा रहता है, उसी को मारने पर तुली है। ये कहाँ की सरकार है? तो आपकी यूनियन ने क्या क्या कदम उठाए फिलहाल? हमारी यूनियन लगातार प्रयासरत है, आप देख रहे हैं, मीडिया के माध्यम से भी देख रहे हैं कि दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, अन्य बॉर्डरों पर भी हमारे आंदोलन चल रहे हैं और ये चलते रहेंगे, अनवरत चलते रहेंगे। जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, चाहे 2024 तक किसान ने पूरी तैयारी है, बॉर्डर पर बैठा रहेगा सरकार 2024 तक, जब तक ये सरकार है तब तक किसान वापस नहीं आएगा, बिल वापस करके ही हम घर आएंगे, चाहे 2024 हो या और भी इससे ज़्यादा समय का समय लगेगा, हम घर वापस नहीं आएंगे। आपका क्या विचार है इस मामले? नहीं, विचार की कोई बात ही नहीं है, सरकार पूरी तानाशाही है। जब किसान आज सात महीने हो गए किसान को लगभग बैठे हुए दिल्ली बॉर्डर और शांतिपूर्ण तरीके से जब बैठा हुआ है, तो बीजेपी सरकार का क्या उद्देश्य बनता है कि उसके मंच को हत्या ले, उसके पास किसानों के पास जाके गाली गलौज करे, क्या उद्देश्य बनता है? और ये सरकार से बस हम यही कहना चाहते हैं कि भगवान सरकार को थोड़ी सद्बुद्धि दे। और टिकैत साहब के अनुसार इनका 3 साल का कोर्स बचा है, 3 साल में अब 2022 में यूपी में ये साहब ख़त्म हो जाएंगे और 2024 तक ये केंद्र से हट जाएंगे। ऐसा क्या होगा केंद्र से हट जाएंगे? नहीं, किसान अब अपना मन बना चुका है, अब सरकार बदलनी है, किसान अपना मन बना चुका है, क्योंकि 7 महीने किस तरीके का मन बना चुका है? ये प्रजातंत्र है,
ये देखिए, देश में एक लोकतंत्र होता है जिसको सरकार ने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। आप देखते आ रहे होंगे जब से बीजेपी सरकार आई है, किसान कहीं भी आंदोलन करे वहाँ पे लाठी चार्ज, वाटर कैनन का इस्तेमाल, ये सार सब काम होते हुए आए हैं। लेकिन किसानों की एक भी बार सरकार ने नहीं सुनी। देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है, उसके 7 महीने से किसान वहाँ पे बैठा हुआ है, सरकार ने एक भी बार उनसे बात करने की वहाँ पे कोशिश नहीं की। इससे बड़ा लोग, इससे बड़ा तानाशाही क्या होगी? और इससे बड़ी कोई तानाशाही मेरी नज़र में तो कोई हो नहीं सकती। जैसे कि ग्रामीण इलाकों में बहुत सारे ऐसे किसान हैं, MSP का पता नहीं, कौन कौन से बिल हैं, क्या आप बताने चाहेंगे कौन कौन से नियमावली है उनमें जिनको आप वापस कराना चाहते हो? जी जी, देखिए, सबसे पहला प्रमुख बिंदु है MSP का, और दूसरी बात है ऑनलाइन खरीद फरोख्त वाली। आपने देखा होगा कई जगह ऑनलाइन खरीद भी की गई है, लेकिन खरीद होने के बाद उस फर्म का ही नहीं पता चला, करोड़ों रुपए के घपले हुए। फिर उसके बाद है कॉन्टैक्ट फार्मिंग। आपको बताएं, कॉन्टैक्ट फार्मिंग के माध्यम से अगर कॉन्टैक्ट कर लिया तो आप एक मजदूर बन के रह जाओगे उस जमीन पर, जिस जमीन पर अधिकार उस किसान का है, वहाँ वो मजदूर बन गया, वो कंपनी के अकॉर्डिंग काम करेगा। अगर कंपनी कहेगी ये काम करना है तो करना है, और नहीं तो नहीं। तो सिर्फ एक मजदूर बनाने का काम, मालिक को मजदूर बनाने का आपका कहने का मतलब है कि किसान स्वतंत्र नहीं है? स्वतंत्र नहीं है, उसमें एक नियम और भी है। अगर कोई ऐसी घटना घटती है तो सिर्फ किसान SDM कोर्ट तक ही सीमित रह जाएगा, उससे ऊपर वो कहीं जा कर के अपनी बात रख नहीं सकता। यानी किसान के सारे अधिकारों को ख़त्म कर दिया गया। क्या किसान का मन है मुझे गेहूं बेना है तो गेहूं नहीं बो सकता? नहीं, सरकार के हिसाब से ही होएगा। हाँ बिल्कुल, अगर किसान की इच्छा है कि मुझे इस जगह पर ये खेती करनी है तो वो कंपनी बताएगी, उस हिसाब से उसमें खेती करनी पड़ेगी। अगर गेहूं भी बोया जाए तो गेहूं में भी कंपनी का ये मानक रहेगा कि गेहूं इतना मोटा होना चाहिए। अगर गलती से गेहूं इतने मोटे से कम हो गया तो उसको कंपनी नहीं लेगी, किसान कहाँ लेके जाएगा? मंडियाँ ख़त्म, मंडियाँ अगर ये कानून लागू होता है तो मंडियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। फिर उससे कहीं ना कहीं आपकी बात से ऐसा लगता है कि मंडियाँ ख़त्म होगी तो कहीं ना कहीं किसान ख़त्म होगा। बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जब जो एक बात बताइए, मार्केट में जाते हैं, अगर हमें जूते खरीदने हों, कपड़े खरीदने हों, तो उसके लिए मार्केट चिन्हित होती है कि उस मार्केट में जाके जूते ले लीजिए, उस मार्केट से आप कपड़े खरीद लें। लेकिन किसान के लिए ऐसी कोई मार्केट क्यों नहीं कि यहाँ आकर के तुम अपना अनाज बेच देना? फिर जब मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी किसान कहाँ जाएगा? किसान के लिए वो जगह बताइए कि यहाँ आकर के आप सुरक्षित हो, वो अपना अनाज कहाँ लेकर के जाए, किस जगह पर वो अपने आप को सिक्योर समझे। ये सिक्योर शब्द ऐसा बना कि इसकी परिभाषा आज तक हम लोग सरकार से मांग रहे हैं, ये सरकार हमें नहीं देना चाहती। जब सरकार इस बात को कहती है, हम किसान हितैषी हैं, हम किसानों के पक्ष में ये कानून लेके आए हैं। सरकार तो ये भी कहती थी कि सबका साथ सबका विकास। हाँ, सबका साथ सबका विकास, इसीलिए किसानों का आपके मुताबिक विकास हो रहा है? मुझे नहीं लगता, और शायद देश का कोई भी इस बात को कहे कि यहाँ किसानों का ये विकास हुआ है, मुझे नहीं लगता कि किसान का कहीं विकास हुआ है। हाँ विकास हुआ है, सुसाइडों की संख्या बढ़ गई। सरकारों के पास संख्या बल नहीं है कि कितना किसान सुसाइड कर चुका है। कॉरपोरेट क्षेत्र में करोड़ों रुपए का जो लोन माफ कर दिया, लेकिन लेकिन किसान के लिए अगर लोन माफी की बात भी आती है तो करने के लिए सरकार तैयार नहीं होती। क्या ऐसा दुर्भाग्य है, क्या इस किसान ने ऐसा गलत कर दिया सरकार के साथ? इसको स्पष्ट बहुमत दिला करके केंद्र में काबिज किया, स्पष्ट बहुमत दिला करके प्रदेश में काबिज किया, फिर ऐसी क्या गलती किसान ने कर दी जिसकी इतनी बड़ी सजा किसान को भुगतनी पड़ रही है? आज उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, बिल, बिजली का बिल जो पहले था उससे 400 गुना ज़्यादा कर दिया गया। तो मैं ये जानना चाहूँगा, कहीं ना कहीं सरकार तो गरीबों के लिए जैसे अन्न पानी की व्यवस्था कर रही है लॉकडाउन में, उसके बारे में आपका क्या विचार? अन्न पानी इन्होंने दिया है अन्न पानी, इससे ज़्यादा तो किसान दे चुका। जब कोरोना चला तो प्रदेश के और केंद्र के मुखिया इस बात को कहते ताली थाली बजाओ, हमारी मदद करो। तो मदद करने के लिए सबसे पहले आया तो वो किसान ही आया। किसानों ने अपने लंगर आज भी लगा रखे हैं, कोई भी भूखा नहीं सोने दिया। आज भी अगर भारत की ये स्थिति है कि कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था बची हुई पड़ी है,
तो वो किसान की देन है। भारत अगर भूखा नहीं सोया तो इसमें भी किसान ही है जिसने भारत को भूखा नहीं सोने दिया। देश के हर व्यक्ति से जब कोरोना संकट चलता रहा, देश की सारी व्यवस्थाएं फैल रहीं, केवल और केवल एक सेक्टर था जो फैल नहीं हुआ और वो है किसानी। आज किसान को अपने कॉरपोरेट मित्रों को इसीलिए तो हवाले किया जा रहा है कि ऐसा सेक्टर जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, इस सेक्टर को आप पकड़ लीजिए, हमारी सरकार तो आज है कल नहीं रहेगी, लेकिन ये सेक्टर आपके कवर में आ गया तो ये सेक्टर आपको हमेशा अमीर। वो कौन 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 से सेक्टर हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। अंबानी अडानी आप लगातार टीवी पे देख रहे हैं, सभी के माध्यम से सुन रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को फंडिंग करने वाले केवल और अंबानी और अडानी ही ग्रुप है। क्या ऐसा कारण है जो कि सारे सेक्टर उनको बेचे जा रहे हैं? क्या और कोई नहीं खरीदने वाला था सेक्टर, और वो भी लीज पे 50 साल और 100 साल के लिए दिया जा रहा है? ऐसा कौन सा काम रहा? BSNL इन्होंने बेच दिया, रिलायंस उस पर जो है LIC ग्रुप इन्होंने बेच दिया। क्या ऐसा कारण रहा? आप इनको प्रमोट करना चाहते हो, इनको प्रमोट करने के लिए सपोर्ट कीजिए। बेकना समस्या का समाधान नहीं हो सकता जी। आप कहते हो कि कांग्रेस सरकार रही थी, कांग्रेस सरकार ने इतना बेक दिया। मैं इस बात को मानता हूं कि कांग्रेस सरकार ने जो कुछ भी किया उससे ज़्यादा तो आपने कर दिया। आप 23 से क्या कांग्रेस सरकार जो है बेहतर थी बीजेपी से? नहीं, सरकारों के मामले में हम कुछ नहीं कहेंगे कि कांग्रेस सरकार या बीजेपी सरकार, हम सिर्फ वर्तमान सरकार की बात करेंगे कि वर्तमान सरकार किस तरह से किसानों के साथ शोषण कर रही है। तो आने वाले समय में आपको कैसी सरकार चाहिए? आने वाले समय में सरकार हमें ऐसी चाहिए जो किसानों को समझे, क्योंकि 140 करोड़ देशवासी जो हिंदुस्तान में हैं उनको चलाने वाला अगर है कोई विधाता तो वो भूमिपुत्र है, क्योंकि खुद भूखा रहता है, खुद धूप में तपता है, लेकिन अपने भाइयों को छांव देने का काम, खाना खिलाने का काम अगर किसी ने किया तो वो अन्नदाता ने किया है। बट वृक्ष का काम अगर किसी ने किया तो वो अन्नदाता किसान ने किया है। आज हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को भी ये आगाह करना चाहेंगे कि इस बट वृक्ष की छाया में आकर के बैठ, उसे उखाड़ने की कोशिश ना करें। अगर उसे उखाड़ने की कोशिश किया तो सरकार 2024 में बिल्कुल ख़त्म होगी, बिल्कुल भी उसकी तरफ कोई भी सम्मान नहीं रहेगा। धन्यवाद। अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे भारतीय किसान यूनियन के आगरा मंडल के प्रवक्ता ललित शर्मा। हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।